मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ चांजे हिंडाओ। तो गाइज आज हमारी जो यही टीम है ये यहाँ आज वर्क करने वाली है। तो मॉर्निंग एवरीवन, एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ चांजे हिंडाओ, जहाँ की आज हमारा शूट है, जहाँ की आज शादी होने वाली है और आज मैं आपको शादी के शूट में लेके जाने वाला हूँ। तो इसी के साथ मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आप देख भाई, अभी मैं इस लोकेशन पे आ रखा हूँ, आप सामने देख सकते हैं जो की ग्यारह गाँव हिंडाओ वाली रोड है और ये मयाली और जो की हिंडाओ जो दूसरा हिंडाओ पड़ता है सेकेंड हिंडाओ, तो ये वाली रोड वहाँ के लिए कट रही है और हमें भी इसी रूट पे जाना है वाले हैं। और मेरे साथ हैं आशीष डिंगवाल जी, जिनको आप ढंग से पहचानते होंगे। तो गाइस देखते हैं आज का ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग रहता है और क्या क्या आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो गाइस इसी के साथ आज हम लेके जाने वाले हैं स्कूटी है और ये है बड़े भाई सतवीर भाई जी की। तो इसी स्कूटी में हम आज का ये हमारा सफर होने वाला है। तो गाइस किस प्रकार चांदी गाँव है, किस हिंडाओ पट्टी है, तो गाइस आज मैं हिंडाओ पट्टी में आपको विजिट करवाने वाला हूँ। तो गाइस बने रहे और निकलते हैं। तो फाइनली गाइज अपनी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जो कि चांजे हिंडाओ है, कुछ इस प्रकार से गाइज, कुछ इस प्रकार है चांजे हिंडाओ गांव जो कि किस प्रकार से है। गाइज ये अपनी K10 जिसमें कि आज पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ प्लाज्मा भी है, पूरा जो सामान है प्लाज्मा ड्रोन और तीन तीन चार कैमरे आ रखे हैं यहाँ। तो गाइज जी के साथ अभी नीचे अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं उनके घर पर, जो कि थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो फाइनली गाइज अपनी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं जो कि चांजे गांव में हम पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत गांव है। इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ बड़े भाई वीर जी से, जो कि हमारे DOP साहब हैं और इसी के साथ डंगवाल जी, जिनको आप बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, और ये है हमारे जीजू से। हाई हाई। तो गाइज आज हमारी जो यही टीम है ये यहाँ आज वर्क करने वाली है। तो गाइज देखते हैं किस प्रकार का हमें यहाँ कम्फर्ट मिलता है काम, अपने काम करने में, और तो गाइज आपको भी हमारा जो ये काम है वो यहीं देखने को मिलेगा। तो गाइज बढ़ते हैं सीधा दूल्हे राजा के घर पे। तो गाइस यहाँ पे जो है शूट का काम हो गया है शुरू और अभी मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जी, ये हमारे दूल्हे राजा। सबसे पहले आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और यही आज हमारे सब्जेक्ट है और इन्हीं से आज शूट स्टार्ट होने वाला है। और अरे जो आप कैमरे देख रहे होंगे PV100 जो कि हम लाइव में लगाने वाले हैं, इसके साथ 80D और 90D और तीनों आज प्रोफेशनल कैमरे आप देख सकते हैं और प्रोफेशनल मैन आप देख सकते हैं जो हमारे साथ हैं। तो गाइस आज का शूट कुछ इस प्रकार होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको आज के यहाँ के ड्रोन शूट भी दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा ये गांव है, तो आज कुछ आपको यहाँ के ड्रोन शूट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अभी शूट का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, ऊपर जो है वहाँ पर हल्दी हाथ जो है वो शुरू हो गया है और अभी ये हमारे दूल्हे राजा। तो गाइस मिलते हैं आपको सीधा ऊपर। एक बार वहां के लिए देखना, स्माइल करना फेस में। ये बताओ ठीक है,
भाई आपने पता कैसे करना है, ठीक है, ये है ना ऐसे इस टाइप को उड़ाना है, यहाँ भी और यहाँ भी एक साथ ही, और इसका ना स्लो मोशन होगा। रंगोली स्टार्ट, फ्रेम बना दिया आपने, 1 2 3 बच रहे हो इस कलर से, ठीक है, हो गया, बोलो लो चलाओ भाई, ऊपर देखना ऊपर लो अब डालो ऑलिव ऑयल। तो भाई इसी के साथ अभी हमारा खाना लग चुका है, और खाने में आप देख सकते हैं जो कि घरिया चावल होते हैं, और जो हमारे घर की राजमा दाल होती है तो वो लग रखी है, जो कि हमारे यहाँ बोलते हैं एक वर्ल्ड कहते हैं पौंड की, तो वही आपको यहाँ मिलेगी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है खाना खा के, बहुत ही टेस्टी है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे दूल्हे राजा जी हमारे साथ बैठ रखे हैं, और ये अंकल जी आंटी जी हैं जो कि दूल्हे की मम्मी है, और ये बहुत ही हंसते रहते हैं। मेरा बोला मेरे भाई और मेरी दीदी मेरी भूली चैनल थे सब्सक्राइब कर दिया ना, अरे वाह, मेरे तुम लोगों से विनती। हेलो गाइस, माय वाइफ टॉकिंग हिंदी, माय नेम इज विक्रम, आई एम द प्रोफेशनल शेफ, टुडे इज माय सन वेडिंग। तो गाइस अभी खाना खुना खाने के बाद हल्का हमने रेस्ट किया, और जैसे हमने रेस्ट किया गाइस तब तो देखो सनसेट भी होने वाली है, हो गई है लगभग ही। तो गाइस अभी मैं आज यहां से ड्रोन शूट जो है वो लेने वाला हूं, और मैं अपने जो अब मैंने अपने DJI का जो बैग है वो मैंने रेडी कर दिया है, तो अभी ड्रोन को स्टार्ट करते हैं, इसको टेक ऑफ करते हैं, और गाइस आपको दिखाते हैं यहाँ के सुंदर से और प्यारे से व्यू ड्रोन से। तो गाइस अभी का ये चीज़ है, क्योंकि जो ड्रोन का शूट आपने इंजॉय ज़रूर किए होंगे, उसके बाद अभी मेहंदी जो है वो स्टार्ट हो गई है, और अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, और मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ NTT जो कि हम इससे फोटो करेंगे और NTT से कर रहे हैं वीडियो, और इसी के साथ ये दिखा रहे हैं यहाँ लाइव। गाइस अभी मेहंदी करवाते हैं स्टार्ट, तो गाइस आप लाइव देख सकते हैं, दो दो लगवा रखे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ ये हमारा शादी का दूसरा दिन है, और आज जो है बारात जाएगी यहाँ से, जो कि जाग गांव में जाने वाली है, और यहाँ से आज बारात प्रस्थान होगी, और इसी के साथ अभी यहाँ पे शेर के सिनेमेटिक कुछ शॉट लिए जाएंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार हम ले पाते हैं।
लो एक दो दिन आ जाओ जरा साइड से, परफेक्ट। जब मैं बोलूंगा तब घूमना हुआ, 1 2 3 घूमो 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 और घूमो और घूमो। लो है लो, हो गया दोनों लो, लो लो दोनों एक साथ थे लो। तो गाइस इसी के साथ जो आपने शेरवानी के कुछ सिनेमैटिक देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से भी सिनेमैटिक हो गए हैं शेरवानी के, और कुछ फोटो भी हमारे इसके साथ हो गई हैं। और अभी जो बरात है वो प्रस्थान होने वाली है। इसी के साथ अभी मुझे आउटडोर भी लेना बहुत सारे, आज के दिन में बहुत सारे हमारे पास जो है वो काम रहने वाला है। तो गाइस तो जल्दी जल्दी करते हैं हम भी, अभी सामान सामान को पैक करते हैं। तो गाइस अभी अपने सामान को पैक करते हैं और निकलते हैं सीधा बरात की ओर। तो गाइज अभी बरात जो है बरात ने प्रस्थान कर दिया है और अभी हम एक काफ़ी हाइट वाली लोकेशन में है। नीचे आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार शादियों की गाड़ी कुछ इस प्रकार लग रखी हैं और नीचे ब्रिज के ही सामने, और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ ड्रोन शॉट। तो गाइज अभी आप ड्रोन शॉट इंजॉय करिए और सर अभी ले रहे हैं वीडियो। तो गाइस अभी यहाँ से मैंने ड्रोन शूट जो है वो ले लिया, काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा। तो गाइस अभी बारात जो है वो निकल चुकी है और हम भी अभी निकलने वाले हैं। तो गाइस बढ़ते हैं बारात की ओर और सीधा मिलते हैं आपको बारात में। तो गाइस बाकी के आपने शॉर्ट जयमाला के आपने अभी देखे होंगे, जो कि मैंने कैमरा की क्लिपें डाल रखी हैं क्योंकि मुझे टाइम तो मिला नहीं, तो मैंने अपने कैमरा की जो क्लिपें हैं वही मैंने इस ब्लॉग में डाली हैं। तो गाइस उस गांव से आउटडोर लेने के बाद अभी हम वहां से निकल पड़े हैं क्योंकि बारात जो है वो हमारे पीछे आने वाली है, और वैसे वहां पे अभी फेरे चल रहे थे जो कि मैं फेरे आपको नहीं दिखा पाया। और गाइस इसी के साथ अभी हम आए हैं वहां से कुछ किलोमीटर आगे, और जो कि मेरे साथ अंकित जी जो हैं और हम आए हैं, आप ये गांव देख सकते हैं। तो ये सामने सरणा गांव है गाइस, कितनी खूबसूरत लोकेशन है। जो वहाँ लाइव प्रोग्राम जो दिखाना है, जिनकी जो प्लाज्मा लार की है वो असेंबल करनी है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, और हाइलोजन वगैरह सब जला के रखनी है, सब चीज़ें हमने पहले डेकोरेट करनी है। तो गाइस अभी निकलते हैं सीधा चांजी गाँव। तो गाइस अभी मैं एक लोकेशन पे आया हूँ यहाँ की, जहाँ की कल रात बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितनी चढ़ाई है, और यहाँ पे एक पिकअप थी जो कि यहाँ पे ब्रेक मारा है, उसके बाद ब्रेक ना लगने के कारण गाइस यहाँ से देख सकते हैं ये बाउंड्री तोड़ के और पिकअप सीधा नीचे खाई में गिरी। अगर वो पेड़ नहीं होता ना गाइस
तो ये सीधा नीचे जाती। तो गाइज ये होता है अधिकतर पहाड़ों में। गाइज आप यहाँ से चढ़ाई देख सकते हो, इतनी चढ़ाई है। और यहाँ पे देखो गाइज, और यहाँ पे गाड़ी एकदम से नीचे बैरिकेडिंग को तोड़ के सीधा गाइज नीचे गई है यहाँ से। गाइज देखो, और वो गाड़ी पे रेती थी, आप पूरे रेती देख सकते हैं। अभी गाड़ी हमारी आगे जा रही है, तो अभी मैं आपको वो गाड़ी भी दिखाता हूँ कि वो गाड़ी कितनी डैमेज हुई है। हुआ ऐसा कि किसी को कुछ चोट चोट नहीं लगी, जो उस गाड़ी में ड्राइवर थे वो बहुत सुरक्षित बच गए थे। तो गाइज अभी मैं आपको वो गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पे कल एक्सीडेंट हुआ था। तो गाइज ये है वो पिकअप। बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी बात होती। चलो गाइज गाड़ी के देखो क्या बुरे हाल हो रखे। तो इसी के साथ अभी चांदीगांव पहुंच गया। आप देख सकते हैं सनसेट भी होने वाली है। इससे पहले हमने यहाँ पे अपना सेटअप बैठाना है, जो कि यहाँ प्लाज्मा लगवानी है। तो हम जल्दी जल्दी से अपना जो है सेटअप बैठाते हैं, और ये हमने स्कूटी यहाँ पे पार कर दिया। गाइस अभी अभी का नज़ारा देखो गाइस, सनसेट होने को है, कितनी प्यारी सनसेट हो रही है गाइस, बहुत खूबसूरत। तो गाइस इस वाले घर पे हम जा रहे हैं, और यहीं शादी थी। तो गाइस अभी निकलते हैं वहाँ, और अपना जो काम है उसको कंटिन्यू करते हैं, अपनी प्लाज्मा वाजमा की सेटअप बैठा देते हैं। अब तेरा बिना मैं रुझू नहीं लगाऊं, अब हर हाल में इसी के साथ शादी का सारा काम निपट गया है, और इसी के साथ अभी मेरे ब्लॉग की एंडिंग भी हो रही है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। तो इसी के साथ गाइज आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।